ना मैं सर दादा, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। और मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया दुई मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, बालू जी से मैं बिहार में जेल में मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाचूंगी। भाई मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगी। जय हिंद। अंबर भाई कहते हैं यह है अभिनंदन का अभिमान, यह है अभिनंदन का अभिमान, पाक के F-16 को गिराया उड़ा के मिग विमान, अभिनंदन का फरमान। अरे नमन हमारा उन वीरों को जिन्होंने जान गंवाई, नमन हमारा उन बेटों को जिन्होंने जान गंवाई, अरे चीख चीख चैलेंज कर रही भारत की तरुणाई, यदि अब की युद्ध हुआ तो हम ले लेंगे पाकिस्तान, ये है अभिनंदन का फरमान। दमदार भाई ने हमको पकड़ा दिया इधर झाड़ू, इधर पहना दिया चोली, तो लीजिए थोड़ा सा हाथ से बंग की गोली। अब कहते हैं दमदार भाई के लिए स्वागत है, जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। तुम्हें वो चप्पल मम देव देव दे दे, कई कई चप्पल जूता हैरान हो, मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मेरे दिल में बैठे हैं। आप लोग कैसे हैं? जितने जिनकी जेब में पैसे हैं तभी लोग पूछते हैं भैया आप कैसे हैं। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। पहले साढ़ नहीं दिखाई देते थे, राजनीति में क्या से क्या बोल दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा पूर्व सीएम ने कि ये जो 100 नंबर हर चौराहे पर खड़ी ये हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले ये जो चौराहे चौराहे पर साढ़ खड़ा ये हमारी देन है। पहले साढ़ कम होते थे, अब साढ़ बहुत हैं। पहले एक ही साढ़ पाया जाता था वो भी काशी में, अब वो भी इसका नाम होता था साढ़ बनारसी। अब इनके वंशजों ने इतना आगे निकल जाएंगे ये हमारे किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। आज साढ़ खेतों में इतना अधिक है कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले नहीं रहे। तो वो कहती है थोड़ा धीरे से बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं। वाह, इसीलिए 4 पंक्तियां इन बूढ़े साढ़ों के नाम। अगर अंबर भाई आप कविता की कम पंक्तियां नहीं लिखते, पूरे देश जानता है मैं पंक्तियां बिल्कुल नहीं लिखता। कील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़कर उसको सील कर देता है, और सील करके तब अपील और दलील के साथ मुवक्किल को गुड फील करा देता है। तो वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब, कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठ के पूछते हैं वकील साहब वाला केस चला रहे हैं कि बंद कर दिए। अनवर चलने वाली शिक्षा है। हाँ मैं भाई प्रणाम करता हूँ। जी माला इसे पहनाते रहिए, दूर से देखने में वैजयंती माला लग रही हूँ क्योंकि माला माल हो गया, अब कमाल हो गया। गोरी तेरी चुनरी है लाल लाल रे, हमसे बड़ा कौन है हिया रे माल रे। वाह दादा वाह। अब साढ़ बनारसी बैठे हैं, अब मैं इनको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां इनको न छेड़ू तो समझ लीजिए साढ़ को छेड़ना इस समय बिल्कुल खतरे खाली नहीं, क्योंकि सारे साढ़ जो है चौंक चौंक सींग लेकर घूम रहे हैं। बाबा योगी ने कहा घूमते रहो, साढ़ बटालियन जल्दी बनाऊंगा।
आर साल बटालियन किसी भी साल को बेरोजगार रहने नहीं दिया जाएगा, सारे सालों को नौकरी पे लगा दिया जाएगा, अपनी अपने सिंहों से चाइना और पाक को पेल कर मारने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं इंसानों को प्रणाम करता हूँ। और चार पंक्तियां ऐसे कह दिया, अगर मजे मस्ती में कह दिया तो यार थोड़ा मजा मस्ती करके अपने इस सांड के नौजवानी की एक और सौगात देना है, कहना है कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन लेकिन आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिरकर कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाए क्या अंदर चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। और कभी भी मजाक मत करना इन बूढ़ों से, ये अब भी सुपारी फोड़ते हैं मसूढ़ों से। और गिर गए दांत तो मसूढ़ों का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान है कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है तो आसपास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। तो आसपास के, और अभी तो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी पढ़ रहे थे, गुजर गए। अच्छा अच्छा, और रेलवे के हम बहुत बड़े डिफाल्टर हैं, हम टिकट नहीं लिए क्योंकि हमसे कोई टिकट मांगता नहीं, टीटी सोचता है कि ये वो वाला है। अब टीटी आया कह कि अरे भाई गली में खड़े होके नहीं सब करो, किनारे मांगो किनारे, हमसे मांगता ही नहीं, हमसे कहता है आप ये वाले हो क्या, कहे कैसे पहचान गए आप पहले थे क्या। क्या कहने, बाबा 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 बाबा, बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। वैसे भी हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान जगदम्बा तुलस्यान जी आपको इस स्टाइल में सुन रहे जैसे आप अनार कलियो मुगले आजम। अरे हाय हाय, जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा, जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा। लेकिन हम ऐसी अनार कली है, जवानी का इतना रुतबा है कि पूरा देवालिया फाड़ के पलट। भैया बहुत नजदीक से फोटो मत खींचिए, क्योंकि आदमी के फोटो बहुत नजदीक से खींचने से कुत्ते की शक्ल दिखाई देती है। भाई बहुत बढ़िया, इतना प्यार से खींच रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। आपने अब्राहम लिंकन की तरह दाढ़ी रखा है, मुझे बड़ा मजा आया। मैं इतना बड़ा प्यार से, ये जो अपना प्यार दे, हमारे देश की पुलिस तो बहुत अच्छी है, 100 नंबर डायल करो तो आ जाती है, सौठी पकड़ा दो चली जाती है। एक टिप्पणी और आ रही है, इस टिप्पणी पे मजा लीजिए। माननीय बाबू मुलायम सिंह ने कहा हमारा बेटा हमारे अधूरे सपनों को पूरा करेगा, तो बहन जी ने कहा अब हम गेस्ट हाउस बिल्कुल नहीं जाएंगे। ए, क्या बात है, क्या बात है, वा, 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 ए, 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 लोगों ने कहा अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा अंबर भाई, हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। बोले अगर इसमें कांग्रेस भी आ गई तब चुनाव चिन्ह क्या होगा, हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा, ठीक ठाक नहीं चले उखड़ जाएगा खलंजा, पतंगे टूट जाएंगे उलझ जाएगा मंझा, पता नहीं कब हुई इन नेताओं का सुबह और संजय, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा, इसी पे अपना बटन दबाकर बीजेपी को फिर से विजयी बनाए। अब की अमित शाह जी ने कहा अब की हमारा जो ईवीएम मशीन आ रही उसमें हमारे निशान का बटन वही नहीं रहेगा, न बजेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो सब खुश हो गए पार्टी वाले। बोले बसपा ने कहा हमें हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमें झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस ने कहा हमें पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, सपा ने कहा हमें साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बीजेपी वालों ने कहा आप लोग चाहे जौन बटन दबाओ हम लोग विजयी हो ही जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। तो ये स्थितियाँ बहुत खतरनाक हो गई हैं, और आप सबका बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है, और यहाँ जितने लोग बैठे मैं देख रहा हूँ
प्यार मोहब्बत का बड़ा चक्कर चल रहा है कि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, थोड़ा नया नया पढ़ूंगा अच्छा रहेगा, हर साले तो आना रहता है, नया पढ़े, हर कवि का धर्म है नया पढ़े, नहीं तो वही पुराने पहले पढ़े हो यार। साल बनारसी एक पारखी आदमी है, वो जानते हैं यार क्या पढ़ रहे हो क्या लिख रहे हो, कम से कम लिखो ना, कम से कम लिख ना सको पढ़ तो सको है कि नहीं, कभी सम्मेलन के लिए लिखना जरूरी नहीं पढ़ना जरूरी है क्योंकि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, और चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए, किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए, हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए, अब बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने तनकर कहा हमको अब क्यों मारते हो हम सयाने हो गए, हमको अब क्यों मारते हम सयाने हो गए, और थाने में यशो निकालर को पकड़ उससे कहा आप तो दीवान थे कैसे दीवाने हो गए, आप तो दीवान थे कैसे दीवान, क्योंकि आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है, आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है, अब पूछ हिला कर सर ने पूछा कहां कहां अब चरना है, तो कहीं प्रेमिका वहीं ले चलो जहां पे बहता झरना है, प्यार किया सो प्यार किया फिर योगी से क्या जरूरत, तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ हुआ हुआ, हुआ। लेकर आएंगे बारा तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बराती नाचे बोतल भर भर पौआ, तो प्यार हुआ है, और दमदार भाई, दमदार का मतलब जो बहुत ज्यादा दमदार हो, पूरा सीमेंट का बना हो समझ लो, मारो लात आपको लतवे टूट जाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ बढ़िया आदमी है, ये चार पंक्तियां ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करते वक्त इनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, एक गलती इनसे हो गई मैंने पकड़ लिया और वो आप तक पहुंचा रहा, स्वागत है स्वागत है, कि युद्ध पर निकलते हैं है। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, अब ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं, प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, अरे अरे होठ चूम लेते हैं और गाल भूल जाते हैं, और ओका छोड़ देते हैं केकरे लिए, हम सब लोगों के लिए, इतना जरूरी है कि छोड़ देते हैं, हमारा अपना भाई स्वरूप है, और की जो है कहते हैं कि हम जिंदगी के हाथों मिस यूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कन्फ्यूज हो, और कभी कभी व्हाट्सएप और फेसबुक से कुछ चीजें भेजते हैं आप तो दूसरी चीजें भेजा जाती हैं, हमसे भी एक गलती हो गई, मैंने उसको पंक्तियों में बांधकर आपके मूड़े पे फेंक दिया, कैसे कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई, और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ इतना प्यार से सुन रहे हैं, कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये अपना देश है, यहाँ से पुलवामा को भी, पुलवामा के शहीदों को भी अबीर और चंदन कर देते हैं, बिल्कुल अंबर भाई, बिल्कुल। और ये क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहाँ केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, वो सबूत मांग लेता है और सरक जाता है, तब अंबर भाई कहते हैं बहादुर
सैनिकों की शौर पे उंगली उठाते हो है। और न तुमको लाज आती है न कोई खौफ खाते हो। अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता ये जिहवा सिल गई होती जिसे इतना चलाते हो। और मैं जी 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 मैं प्रणाम करता हूँ। और सियासी रहनुमा अपने को मन मौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं। किसानों के ही बेटे सरहदों पर जान देते हैं, बड़े लोग अपने बेटों को कहाँ फौजी बनाते हैं। जिंदाबाद भाई जोश में आके कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद हरे हरे महादेव। डॉक्टर रमेश पांडे ने हमें माला पहना दिया, इतना बड़ा शरीर थोड़ी देर में लगा कि हमारे बीच में कुंभकर्ण अभी तक जी। और मैं सब बड़ा जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा। जो भी आप कुछ ज्यादा रमेश भैया पे हंस रहे हैं, हमको लगता है आप पूर्व जन्म में उन्हीं के घर पैदा हुए। हालांकि यहाँ मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हालांकि सार बनारसी और दमदार बनारसी अगर दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में बिल्कुल इसी तरह से ठहाका लगा दे तो वहाँ की हथनियों और बघनियों के गर्भपात हो जाए। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, ढेर सारे नमन करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो है जो भी चार पंक्तियाँ और मुझे याद आ रही है कि बेशरम खुश है बहुत धोखे से हमको मारकर, सामना होगा तो रख देंगे तुम्हें हम फाड़ कर, एक लम्हे में मिला दूंगा तुम्हें मैं धूल में, मर्द की औलाद है तो सामने से वार कर। पैंबर भाई हास रस में वीर रस को कैसे उड़ेलते हैं देखना है, कविता लिखता नहीं हूं कहता हूं कि एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेद के मारा जौन हो तौन देखा जाए। एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेद के मारो जौन हो तौन देखा जाए। अब हमारे देश के कुल कुकुरे जो पाकिस्तान पे भूक दे, अपने पंजस मार मार कुल हड्डी गुड्डी भूक दे, हमारे देश के कुल लड़के जो पाकिस्तान पे मूत दे, एक मिनट में बह जाबे जब देश पे तोहरे थूक दे। हमारे देश के कभी शायर देश के कभी औसायर कलम उठाए के कूक दे, हमारे देश के कभी औसायर कलम उठाए के कूक दे, फिर चिलम बाज तब एक मिनट में देश के तोहरे फूंक दे। अब रावल पिंडी से होई के तब हमारे देश के रेखा जाए, कुल सारिन के खेत के मारा चार हो तुम देखो। और बड़ी पंक्तियां आ रही हैं, रावल पिंडी भी भिंडी सी एक दिन काटी जाएगी, लगा कराची से कह देना वह भी बांटी जाएगी। ए मत भूलो भारत में हम हड्डी से वज्र बना देंगे, परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे। परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे, यद्यपि युद्ध हुआ तो फिर मेरा नुकसान नहीं होगा, संपूर्ण विश्व के नक्शे में तब पाकिस्तान नहीं होगा। मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगा कोई संतान नहीं होगा, गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा, गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा, फिर गलम कलाहिम डाल डाल कर बारी बारी सेंका जाए, कुल सारिन के खेत के मारे जान हो चलते। क्या ऐसे हो गई हैं, आपका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है, चार पंक्तियां और पढ़ते हुए विदा ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत वाह 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 बधाई आपको। हमारे बीच में भाई भीमसेनी कपूर से बना हुआ नयन चैन आजन व सुरमा हमारे बीच में आ गया है, मैं इसको जहां जहां दर्द होगा वहां वहां लगा लूं, क्योंकि किसी ने इतना प्यार से दिया है, मैं सिर्फ इसको आंखों में ही नहीं लगाऊंगा, पूरे शरीर में जहां भी दर्द हुआ मैं लगाऊंगा, यही प्रेम है हमारे प्रति। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे हाँ, और ढेर सारे नमन करता हूँ, इतना प्यार इतनी मोहब्बत दे दिया।
कि पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए। इतना गर्मी पड़ी भाई एकदम चितकबरा हो गए। पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए। अब कहन की जो है चार पंक्तियां और आप तक पहुंच जा रही है। ये आपने पुलवामा के शहीदों को जो नमन किया है। काशी की धरती बड़ी धन्य है और इतनी धन्य धरती है, ये साहित्य की धरती है, वीरों की धरती है। मैं सबको बहुत नमन करता हूँ और आपका भी अभिनंदन के साथ आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये है अभिनंदन का फरमान। वाह, ये है अभिनंदन का अभिमान। कविता बनी नहीं है लेकिन साल बनारसी के शिष्यों में अगर मेरा नाम लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि एक आश कवि पैदा हुआ था बिहारी लाल अंबर, जो आन स्पॉट कविताओं को माइक पर सुनाता था और उसके लिखने वाले कहीं पाए नहीं जाते, सिर्फ सुनने वाले पाए जाते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं। क्या लिख दिया, कवि मित्र बैठे हैं। कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्रबरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कवि। वाह 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 वाह।